अरे हमने कहा चलो हम ले चले वृंदावन का मकरा बात नहीं कही। तो फ्रेंड ये लीजिए, हमको भी हमारी अगली लोकेशन मिल चुकी है जहाँ पर हम खाना खाने वाले हैं। आप देख रहे हो 199 में अनलिमिटेड थाली, यहाँ से हम खाने वाले हैं और मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो का रिव्यू है वो मम्मी जी और मौसी जी करने वाली है। मम्मी जी मौसी जी यहाँ का 199 पर क्या क्या मिलता है ये खाने के लिए, ये आप देखने वाले हो। और जो जो यहाँ पर मिलता है वो मौसी जी और मम्मी जी मज़े लेने वाली है। पूरी पहली बार पहला एक्सपीरियंस होने वाला है मम्मी जी मौसी जी का एक रेस्टोरेंट में जाकर 200 रुपये वाली अनलिमिटेड थाली खाना, बफेट खाना, बफर सिस्टम की तरह, जैसे मौसी यहाँ पर बफर सिस्टम बोलते हैं यहाँ पर बफेट बोलते हैं, तो बफेट खाने वाली है अपने हाथ से। तो मैंने ये रे भारी अनलिमिटेड थाली, होटल का नाम बफर में सभी लगे देखे दिखाई देते हैं, जहाँ में हम दो जने देख रहे हैं, देखो इतने बड़े वाहन है। हाँ खट्टा हुआ इसको हमें अच्छा लगा तो है तो होते हैं। ये था और तुम कैसे कर रहे हैं पुत्रो पटोसी, देखो यार थोड़ी चले ये हमारे इधर मखने काम रखा रखे अरे सब चले वो पहले तो कब जीते हैं बस जाने तो बहुत चीज है वो देख कर डर पे गई पुलिस तो मिलना आ रही एक कटे ही कमरे आ रही है एक कटे ही कमरे इधर पास से लो ना पत्तो बने आप देखना अच्छी तरह से हम लोग भाई केला आएगा वृंदावन से जाम मजा आया हुआ सब चीज का टेस्ट बताइए चाउमीन कैसे क्वालिटी फूड बना दिया खाना चाउमीन एकदम बढ़िया Thank you.
जाता था, पेट भर नहीं जाता था, खिंचत रही हो पीछे मत हटिए बोल रहा था, नहीं सब बोले बोले का सब तो चलो ना कितने कैसे फिर खानी अब खानी पानी अब खानी पाना खा रहे होगा कोई चलो पूछ और खांगी और कुछ चाहिए है वो पे टन अब कितने दिन तक नहीं खांगी ये तो बोल रहा पे और खाओ गए ना ज्यादा मिर्च डाल के मसाके बोल रहा पे वो काम जो कि ग्वालियर में पड़ता है ग्वालियर में है इस नाम से आप गूगल पर सर्च मार सकते हो बाकी ये इसका मेन्यू है और पर पर्सन रहता है 199 में और जिसमें स्वीट्स एक बार मिलती है और वेलकम ड्रिंक्स मिलती है एक बार और बाकी सब कुछ अनलिमिटेड है आप देखो अनलिमिटेड एक पर्सन पेट भर के खाए जो चाहे वो खाए और निकल जाए कैसा लग रहा है बढ़िया लगा होटल में ठंडी ठंडी हवा चल रही है एसी की हवा खाए मिली एसी लग रहा है बढ़िया खाना एकदम टन कोई खाने में कोई कमी नहीं है कोई बेकार नहीं बता सकता बिल्कुल एकदम ये मथुरावासी आए जी भाजी हमारे पीछे।